सतीश कोम का बच्चा है, लेकिन उनके पीछे जो ये एक षड्यंत्र रचा हुआ है ये भीम सेना द्वारा, भीम आर्मी द्वारा, जो हार के लोगों को यहां लाकर ये गंदी गंदी जो राजनीति फैला रहे हैं, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि ये एक नहीं, ये 36 कौम के लोग हैं जो आपको दिखा देंगे कि क्या झूठ है और क्या सच है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इन भाई सेल सिंह को न्याय मिलना चाहिए और निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, दोषी हो तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि इन मामले की जांच की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और नहीं दोषी है तो उनको बरी या बाहर निकालना चाहिए, और जो भी इन झूठे अफवाह को फैला रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि जो आप आ रहे हो वहां से, जयपुर से आ रहे, कोई जोधपुर से आ रहे, कोई कहीं से आ रहे, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप यहाँ रोने के लिए आ रहे हो या बैठने के लिए आ रहे हो या माला पहनने के लिए आ रहे हो, जगह जगह आपके स्वागत हो रहे हैं, छापे पहने जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डूब मरो मारवाड़ी में, कहने के सुल्लू पर पानी में। मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि आप न्याय देना हो तो ये वाघड़ा वाला जो नरेश राणा मरा है, किसी दूसरे भाई की जान बचाने के लिए उनकी जान की जोखिम में डालकर वो गया है, उनके घर पे आना चाहिए, उनको 50 लाख रुपए देना चाहिए, सरकारी नौकरी देना चाहिए मकी इंद्र मेघवाल को। इन लोगों का ये एक षड्यंत्र है कि इनको कैसे फंसाया जाए, लेकिन हम सब 36 कौम इनके पीछे है, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं भी एक मेघवाल समाज से हूं, तो एक व्यक्ति खराब हो सकता है लेकिन पूरी समाज कभी खराब नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।